तनुवाखे गुरु साहिब जियो हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तुम दाता हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तुम दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देशा माधव हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देशा दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो हो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन तेरा खो हो प्रभु नानक दे कर हथ परम सम्मान योग जुग हो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरमत दीवान दी हाजरी पर रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों अमृत बचन आप जी श्रवण कर रहे सी कीर्तन रूप दे अंदर आओ जो हजूर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज उन्हां दे पावन पवित्र जीवन दी आपां विचार प्रारंभ कीती है उस लड़ी नूं अग्गे बेनती कर सकां गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल असी हजूर दे जीवन विच्चों शुभ कर्मन वास्ते हजूर किवें प्रेरणा देंदे ने असी कर्म वीर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी इस
प्रकरण विच विचार कर रहे सन। उसे ही लड़ी नू अगे तोरदिया हजूर जिथे शुभ कर्मा वास्ते अंतम सवास तक जूझन का जिक्र करते हैं, उत्थे जिहड़े लोग भेख जरूर करते हैं, कर्म शुभ कोई नहीं, सतगुरु कर्म वीर उन्हां दे भेख वाले कर्म नू भी उगेड़दे। असी एक ओ विशा और दूसरा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज विद्वाना दे और विद्या दे किन्ने कु कदरदान ने। कल असी विचार कीती सी जे कोई पराया हक खोंदा है गुरदेव दे नेड़े रहन वाला ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस नू भी डांट देंदे ने। हजूर सच्चे पातशाह जे किसे डोले नू कोई लै के जित के आंदे आ ते उन्हां नू भी शुभ करन दृढ़ करांदे आ। हजूर दी बाणी विच्चों मैं कुछ बेनती करनी है कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दोनों पक्ष असी लै लांगे, कर्म वीर और विद्या वीर। खास करके सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिहड़े ने हजूर सच्चे पातशाह अरबी फारसी ब्रिज भाषा संस्कृत और हजूर पंजाबी दे विद्वान ने। अरबी फारसी ब्रिज भाषा संस्कृत और मैं शब्द वरत्या पंजाबी दे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दे दरबार विच 52 कवि ने, गुरदेव दे दरबार विच 35-36 तकरीबन 36 लिखारी ने ते 4 लिखारी हजूर दे नाल हर वक्त रहिंदे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दी ज़्यादातर जिहड़ी रचना है वह ब्रिज भाषा विच है, ब्रिज भाषा वरती। पंजाबी दी वरतों भी हजूर ने कीती चंडी दी वार, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। उस तो इलावा सतगुरु ने जिहड़ी नरोल फारसी विच रचना कीती उनू आपां जफरनामा कहिंदे हां। उंज महाराज जी ने कृपा कीती संस्कृत फारसी इन्हां दे काफ़ी लफ्ज़ जिहड़े ने अरबी दे अपनी रचना विच इन्हां लफ्ज़ां नू बहुत ज़्यादा धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने वरत्या है। दस जिहड़ी बेनती कर लगा सुनियो, कल असी कहा सी कि केवल शुभ कर्म सिख नू ही नहीं, जेकर कोई इंसान सिर्फ बाहर मुखी कर्म कांड करदा है रूहानियत दा उहदे नाल कोई लागा चागा ही नहीं ते लोकां विच अडंबर बना लैंदा भी मैं तां इस गल दा धारनी हाँ, ते गुरु गोबिंद सिंह अपनी रचना विच उहदे पखंड नू परपंच ते प्रहार करदे ने ते उस दे भेख नू लोकां सामने उगेड़ के सही मार्ग प्रदान करदे। मैं हजूर दी रचना च खास करके उन्हां दी अकाल उस्तद दी बाणी विच्चों ही 2 सवैये 33 सवैयां चों ते 2 कवित मैं आप जी नाल सांझे करने ने ते महाराज हास रास करदिआं करदी चंगा उपदेश दे जांदे। गुरु गोबिंद सिंह भेख दे बरखिलाफ ने, हजूर दे बचन ने भेख दिखाए जगत को, लोगन को बसकीन, अंत काल काती कट्यो बास नरकमो ली। महाराज कहते ने भेख ना लोग प्रभावित हो सकते आ पर बाहर दे पखंडी भेख नाल कदी परमात्मा खुश नहीं हुंदा। जिसनू गुरु ग्रंथ साहिब च असी पढ़ने आ, मत है तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलोना जाना। महाराज कहते ने कि परमात्मा खेड़े से खुश हो जूगा। आप आसा की वार च पढ़ दिओ, पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, सिल पूजस बगल समादंग, मुख झूट बिभूखन सारंग, त्रैपाल तिहाल विचारंग, गल ला माला तिलक ललाटंग, दो धोती बस्त्र कपाटंग, जे जानस बरमंग करमंग, सब फोकट
निश्चो कर्म कहो नानक नेचो त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै। भेख का जिक्र किया हजूर दे दो शवैये ने ते प्यारे सदियां पहला जेडे गुरदेव ने बोल कह अज भी अग्ञानता खिमा करो उस तरह ही कह। मैं बेनती करांगा अज भी बहु गिनती लोग जेडे अध्यात्मकता बारे बिल्कुल कुछ नहीं जानते उन्हां विचारियां नूं बाहर दा थोड़ा जा कोई चमत्कार दिखाया अपने जीवन नाल संबंधित कोई वक्री जी गल सुनाई लोकी भीड़ बन के उहदे पिछे तुर पैंदे आ। गुरु गोबिंद सिंह जी का एक वचन है कि खूक मलहारी गज गदहा विभूत तारी गिदवा मसान बास करो ई करत है घुग्गू मट बासी लागे डोल तो उदासी मरी मृग तरवर सदी मोन साधे ही मरत है बिंद के सदैया ताएं हीज के बडैया देत बांदरा सदीव पाए नांगे ही फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीन एक ज्ञान के बिकीन छीन कैसे के तरत है। आप देखोगे हसदे हसदे महाराज किवें उस भेख का खंडन कर रहे। मेरी बेनती सुनो मैं इहदे अर्थ कर देना। अकाल उसत विच इक बित हुंदे खूक मलहारी गज गदहा विभूत तारी गिदवा मसान बास करो ही करत है। एक हिंदुस्तान विच माते शायद आपनू पता वे अगोरी मत गुरु ग्रंथ साहिब विच उहनां दा जिक्र हुंदा है। वाम मार्गियां दा जिक्र भी हुंदा है जिवें अपने पंज ककार ने ना जी ते वाम मारियां मार्गियां दे पंज मकार ने असी पंज कक्के कहिंदे आ पंज मम्मे रही कहिंदे उहदा मतलब मछली मैथुन मदरा मास ये जिन्ने माड़े कर्म ने वो करदे आ कहिंदे ने साडा धर्म है। एक अघोरी मत है जी हिंदुस्तान विच है बहुत इन्हां दी गिनती घट वाहिगुरु शब्द कहिंदे आ कई वारी होर तरह लगदा है उस वक्त ते मत बड़ा प्रचलित सी। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਗੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਖੂਕ ਮਲਹਾਰੀ ਖੂਕ ਮਲਹਾਰੀ ਮਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। महाराज कहते सूरता मैल च रहा है गज गदहा विभूत धारी हजूर ने अगले दो शब्द वरते खूक मलहारी गज गदहा विभूत धारी गिदवा मसान बास करो ही करत। अज भी देखो जदों आ कुंभ का मेला होंगे मैं एक दिन कहा सी चित मेरा करदा मैं एक करी जरूर जावा क्योंकि जो कुछ बाणी च लिखा देखिए सही है डंबर की। कुछ बंदे की करदे आ गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ना सिमरन ना बंदगी ना सुरत उच्ची वह की कर रहे भी सवाह लैनी है सिर तो पैरां तक पूरे का पूरा पिंडा जिहड़ा सवाह नाल भर लैंदे कपड़ा कोई नहीं पाया तो पढ़े लिखे लोग उन्हां नंगे सवाह मलन वालियां दे पैरां विच टिक चुकदे पए आ। गुरु साहिब कहिंदे ने जे सिर्फ पिंडे ते मिट्टी मल नाल सवाह मल नाल परमार्थ की सिद्धि इहनू परमार्थ समझना है तेरे नाल ते फिर खोता ते हाथी चंगा जिहड़ा रोज़ ही नहा के मिट्टी विच लेट पैंदा है तेरे विच ते उस विच अंतर की है। गुरु साहिब इस गल दा रज के खंडन करदे आ कि पिंडे ते सवाह मल नहीं इहनू महाराज ने बाणी च भी कहा अंतर अगन बाहर तन सवाह गल पाथर कैसे तरह अथा बाहर तां तू भभूत मली बैठे। ते महाराज ने वेखो मैं सोचना इहदी व्याख्या भाई साहब ने भी की भाई सुथरा शाह ने अंतर अगन बाहर तन सवाह गल पाथर कैसे तरह अथा। महाराज के दरबार च एक बार एक साधु आ गया ते ओ पूरा विभूति नाल भरिया सिर तो पैरां तक सवाह नाल ते भाई सुथरा जी संगत विच बैठे बैठे उहदे कोल चले गए ते ओ नंगा सी उहदे पेट कोल उंगर ला के ना जिवें चबो के कहिंदे साधु जी आप जी का नाम ओ कहिंदा शीतल दास नाम उहदा शीतल दास सी। थोड़ा क मिंट बह के फिर मारिया चानू कहिंदे मैं भुल गया नाम कहिंदा शीतल दास थोड़ा उच्ची बोलिया शीतल दास। वो दो मिनट बाद फिर चा छेड़ बैठा कहिंदा नाम मैं भुल गया उन्हें वट के चपेड़ मारी कहिंदे तैनूं समझ नहीं पई शीतल दास
वो कहिंदा हुण पै गई मैं अग्गी सोचदा सां सवा उत्ते बड़ी है अग कित्थे बई होई है। सुनियो इस गल कहिंदा पिंडे ते सवा अग दिसदी नहीं सी पई नाम तेरा शीतलदास अंदर तेरे भट्ठी बलदी पई है ते मैं इस गल के वार वार भुलदा पिया सां भी सवा तां अग तो बिना उत्ते आ ही नहीं सकती अग होवेगी ते सवा निकलेगी तां ही मैं संगत नूं दसना चाहुंदा सां इह जिहड़ा सवा नाल भरिया बैठा जे अंदो अग दा बरूद बनिया होया ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀਤਲਦਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾਹ ਅੱਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅੱਜ ਕਵਿਤਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਖੂਕ ਮਲਹਾਰੀ ਗਜ਼ ਗਧਾ ਬਭੂਤ ਤਾਰੀ ਗਿੱਧਵਾ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰਿਓ ਹੀ ਕਰਤ ਹੈ। ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਤਾ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ। ਖੋਤਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਗਿੱਧਵਾ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰਿਓ ਹੀ ਕਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੈਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਖੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰ ਹੈਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਉਹ ਪਖੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠਿਓ ਤਵੀਤਾਂ ਧਾਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਬਿੱਜੂ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜ ਇੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਦੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੂਕ ਮਲਹਾਰੀ ਗਜ਼ ਗਧਾ ਬਿਪੂਤਾਰੀ ਗਿੱਧਵਾ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰਿਓ ਹੀ ਕਰਤ ਹੈ। ਘੁੱਗੂ ਮੱਟ ਬਾਸੀ ਲਾਗੈ ਡੋਲ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਮ੍ਰਿਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਰਵਰ ਸਦੀਵ ਸੁਣ ਮੋਨ ਸਾਧੇ ਹੀ ਮਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁੱਕ ਸੁਣਿਓ ਘੁੱਗੂ ਮੱਟ ਬਾਸੀ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਫਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਮਨ ਤੇਰਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਲੂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਗਏ ਵਿਅੰਗ ਮੈਂ ਘੁੱਗੂ ਮੱਟ ਬਾਸੀ ਘੁੱਗੂ ਉੱਲੂ ਜੇ ਮੱਠਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉੱਲੂ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੁੱਗੂ ਮੱਟ ਬਾਸੀ ਲਾਗੈ ਡੋਲਤ ਉਦਾਸੀ ਮ੍ਰਿਗ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਗ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤਰਵਰ ਸਦੀਵ ਮੋਨ ਸਾਧੇ ਹੀ ਮਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਨੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾੜ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਲਈ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਿਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸੇਂਟਸ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਛਪੀ ਹੈ ਜੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕੇ ਸੰਤੋਂ ਕੇ ਸੰਗ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਨਾ ਢਾਲ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਕੁਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਕੰਦਰ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪੇ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਧਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਆਖਰੂ ਝੁੱਕਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਚੌਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਏ ਜੀ ਬੋਲਦੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਬਧਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਭਬਾਕਾ ਕੱਢੇ ਕਰੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ, ਅੱਗ ਵੀ ਖਾਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾਏ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਭਬਾਕਾ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਜੈਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 21 ਸਾਲ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ, 21 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਤੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ? 21 ਸਾਲ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੀਲੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਜੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾੜਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਟੋਈ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਤੰਜ ਕਸ ਰਿਹਾ, ਖੂਕ ਮਲਹਾਰੀ ਗਜ਼ ਗਧਾ ਬਪੂਤ ਤਾਰੀ, ਗਿੱਧਵਾ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰਿਓ ਈ ਕਰਤ ਖੈ, ਘੁੱਗੂ ਮੱਟ ਬਾਸੀ ਲਾਗੈ ਡੋਲਤ ਉਦਾਸੀ, ਤਰਵਰ ਸਦੀ ਮੋਨ ਸਾਧੇ ਹੀ ਮਰਤ ਖੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਦਈਆ ਤਾਂ ਹੀਜ ਕੀ ਬੜਈਆ ਦੇਤ, ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਸ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਵੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ, ਜੇ ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜੋ ਤਰੀਏ ਭਾਈ, ਖੁਸਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਇਆ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨਾ ਗਈ ਆ ਕਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੇਸ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਜੈਨੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੇਡ ਚੰਗੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੂਕ ਮਲਹਾਰੀ ਗਜ਼ ਗਧਾ ਬਪੂਤ ਧਾਰੀ, ਗਿੱਧਵਾ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਉਹ ਕਰਿਓ ਕਰਤ ਖੈ, ਘੁੱਗੂ ਮੱਟ ਬਾਸੀ ਲਾਗੈ ਡੋਲਤ ਉਦਾਸੀ, ਮ੍ਰਿਗ ਤਰਵਰ ਸਦੀ ਮੋਨ ਸਾਧੇ ਹੀ ਮਰਤ ਖੈ, ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਦਈਆ ਤਾਂ ਹੀਜ ਕੀ ਬੜਈਆ ਦੇਤ, ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰਾ ਸਦੀਪ ਪਾਏ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਆ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜੀ, ਐਸੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜੈਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਇਸ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ। ਕਵਿਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਖੂਕ ਮਲਹਾਰੀ ਗਜ਼ ਗਧਾ ਬਪੂਤ ਤਾਰੀ, ਗਿੱਧਵਾ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰਿਓ ਕਰਤ ਖੈ,
ਘੁੰਮਟ ਬਾਸੀ ਲਾਗੇ ਡੋਲਤ ਉਦਾਸੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤਰਵਰ ਸਦੀਮ ਮੋਨ ਸਾਧੇਗੀ ਮਰਤ ਹੈ ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਦਈਆ ਤਾਏ ਖੀਜ ਕੀ ਬਡਈਆ ਦੇਤ ਬਾਂਦਰਾ ਸਦੀਪ ਪਾਏ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਫਿਰਤ ਕਹਿ ਅੰਗਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਣ। ਆਹ ਸੁਣਿਓ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਢੁੱਕਦਾ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਓ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦੇ ਪੈਣ ਪੋਤੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਲਾਹਾਰੀ ਬਾਬਾ ਵੀ ਫਸਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਅਲਵਰ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਅੰਗਨਾ ਅਧੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੰਗਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਅੰਗਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਕੇ ਵਿਹੀਨ ਛੈਨ ਕੈਸੇ ਕਤਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਵਾ ਮੱਲ ਲਈ, ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਵਿਤ ਸੁਣਿਓ, ਭੂਤ ਬਨ ਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਬਨ ਚਾਰੀ ਛਿੱਤ ਛਾਉਣਾ ਸਭ ਹੈ, ਦੁੱਧਾ ਤਾਰੀ ਪਾਉਣ ਕੇ ਅਹਾਰੀ ਸੋ ਭੁਜੰਗ ਜਾਨੀਅਤ ਕਹਿ, ਧ੍ਰਿਣ ਕੇ ਪਛਈਆ ਧਨ ਲੋਭ ਕੇ ਤਜਈਆ, ਤੇ ਤੋ ਗੋਵਨ ਕੇ ਜਈਆ ਬ੍ਰਿਕ ਭਈਆ ਮਾਨੀਅਤ ਕਹਿ, ਨਭ ਕੇ ਉਡਈਆ ਤੈ ਪੰਛੀ ਕੀ ਬੜਈਆ, ਦੇਤ ਬਗੁਲਾ ਬਿੜਾਲ ਬ੍ਰਿਕ ਧਿਆਨੀ ਠਾਨੀਅਤ ਕਹਿ, ਜੇ ਤੋ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨੋ ਜਾਨੀ ਪੈ ਬਖਾਨੀ ਨਾ, ਐ ਸੋਨਾ ਪਰਪੰਚ ਮਨ ਭੂਲ ਯਾਨੀਅਤ ਕਹਿ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਵਿਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਵਿਤ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਕਤਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਮ ਜਿਮ ਕਹੀ ਤਿਮੈਂ ਤਿਮ ਕਹਿਹੂੰ, ਔਰ ਕਿਸੀ ਸੇ ਬੈਰ ਨਾ ਗਏਹੂੰ, ਪਖਾਨ ਪੂਜ ਖਾਉ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਭੂਤ ਬਨ ਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸੱਚੀ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੱਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਿੱਤ ਛਾਉਣਾ ਸਭ ਹੈ ਦੁੱਧਾ ਧਾਹੀ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਲਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੂਤ ਬਨ ਚਾਰੀ ਚਿੱਤ ਛਾਉਣਾ ਸਭ ਹੈ ਦੁੱਧਾ ਧਾਰੀ, ਪਾਉਣ ਕੇ ਅਹਾਰੀ ਸੋ ਭੁਜੰਗ ਜਾਨੀਅਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਾਉਣ ਹਾਰੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸੱਪ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਉਣ ਕੇ ਅਹਾਰੀ ਸੋ ਭੁਜੰਗ ਜਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਕੇ ਪਛਈਆ ਧਨ ਲੋਭ ਕੇ ਤਜਈਆ, ਤੇ ਤੋ ਗੋਵਨ ਕੇ ਜਈਆ ਬ੍ਰਿਖ ਭਈਆ ਮਾਨੀਅਤ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਘਾਸ ਫੂਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਤੂੰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਲੀ 'ਤੇ ਬੰਨੋ, ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਵਛੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਵੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਭੂਤ ਬਨ ਚਾਰੀ ਛਿੱਤ ਛਾਉਣਾ ਸਭ ਹੈ ਦੁੱਧਾ ਧਾਰੀ, ਪਾਉਣ ਕੇ ਅਹਾਰੀ ਸੋ ਭੁਜੰਗ ਜਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਕੇ ਪਛਈਆ ਤ੍ਰਿਣ ਦਰ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਕੱਖ, ਪਛਈਆ ਦਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਤ੍ਰਿਣ ਕੇ ਪਛਈਆ ਧਨ ਲੋਭ ਕੇ ਤਜਈਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੋ ਗੋਵਨ ਕੇ ਜਈਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੋਵਨ ਕੇ ਜਈਆ, ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬਛੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਖ ਭਈਆ ਮਾਨੀਅਤ ਕਹਿ, ਬ੍ਰਿਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਲਦ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਸਲ ਨਾ ਕਹੋ,
इनू बल्द का भरा को गद्दी तो ला के नत्थ पा के खुरली उत्ते बनो। देखो महाराज कैसे, मैं बेनती करांगा दसम की रचना जो पढ़ोगे ना, सच एवे पखंड का प्रहार इन्ना को गुरु गोबिंद सिंह करनगे, पता लग जाएगा जो कुछ अज वापरदा मैं गुरु तो पै खा कहना हर चीज उस सानू मिलेगी। ते तो गोवन के जइया ब्रिक भैया मानिए तह नभ के उडैया तह पंछी की बडैया देत। जिहड़ा कहिंदे जी ये करामात नाल उड जांदा, महाराज कहिंदे तू तो कई साल साधना करके उड्या, चिड़ी दे बच्चे दे खंभ निकलन उहदी उड पैंदा, फिर तू तो चिड़ी का बोट हो गया। नभ के उडैया तह पंछी की बड़ैया देत, बगुला बिड़ाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। तीन शब्द वरते, जे सिर्फ अखां बंद करके बह जाइए कि ये रूहानियत है। कल भी असी परसों क्या सी, अखां बंद करनिया माड़ी गल नहीं, किसे नूं ठगण वास्ते अखां बंद करनिया बड़ा वड्डा पाप है। इहनूं बगल मारे तीन शब्द वरते ने, बगुला बिड़ाल ब्रिक। एक बगला अख बंद करदा जदों शिकार करदा, दूजा बिल्ला वह भी जदों किसी नूं खाणा हुंदा अखां बंद करके बहिंदा, ते तीसरा बघियाड़। ये तिन्ने दे तिन्ने जदों शिकार करदे आ पहला अखां बंद करदे आ, सिमरन तो बिना अखां बंद करनिया कपट करना। महाराज कहे तिन्ने बगला बिल्ला ते बघियाड़ दी तरह ने, ये ब्रह्म ज्ञानी ने। महाराज शब्द दोबारा फिर सारा पढ़ देना, पूत बन चारी चित छौना सब तारी, दूधा तारी पौन के आहारी सुख जंग जानियत है, त्रिण के पछैया तन लोभ के तजैया, ते तो गोवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है, नभ के उडैया तह पंछी की बडैया देत, बगुला बिड़ार ब्रिक ध्यानी ठानियत है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज क्यों तुसी कही जांदे, महाराज पहला नहीं सी किसे नूं पता, कह लगा पता सी हजूर कहिंदे जे तो बड़े ज्ञानी बड़े ज्ञानवान आए इस धरती ते, तिनों जानी पै बखानी ना है, पता उन्हां नूं लग गया डर दे मारे बोले कोई नहीं, पर मैं कोई नहीं चुप कहना, मैं इन्हां दा पाज जरूर अगेड़ांगा। जे तो बड़े ज्ञानी जिन्हों जानी पै बखानी ना है, ऐ सोना परपंच मन भूल यानत है, कहिंदे इहो जिहा परपंच मैं जिंदगी च भुल के भी नहीं करांगा। हुण देखो है हास रास दा बोल, पर अखीर ते गुरदेव तत् दी बात कर रहे आ कि जे लोगो इस अग्ञान नूं तुसी ब्रह्म ज्ञान कहिंदे हो, जे इस भेख नूं तुसी धर्म कहिंदे हो, जे इस हनेर गर्दी नूं तुसी क्रांतिकारी कहिंदे हो, महाराज के एदू वड्डा पाप कोई नहीं, सब परपंच करदे आ। दो मैं सवैये होर आप जी नूं सुनाने ने, उह तुहाडे सब नाल कई किसे नाल वापरी जरूर होनी है। हुण है कि आ जिन्ना भी परपंच चलदा है, सब तो ज़्यादा अज भी इस विच अमीर बंदे, जिन्ना अमीर वहमी हुंदा इन्ना दिहाड़ी करन वाला वहमी कोई नहीं। जे तुसी इंडिया जिन्ने करोड़पति सिख वेखोगे बख्श दिया जे बहु गिनती च, चिट्टी पग चिट्टी जराब चिट्टी जुत्ती चिट्टी टाई, इत्थों तक सवेरे ज्योतिषी नूं फोन करके पुछदे आ रोटी किन्ने कु बजे खानी शुरू करिए। सिमरन तो बिना तनाड बंदा वहमी हो जाता है, भरमी हो जाता है। हजूर कहिंदे ने फिर हुंदा की, जदों परपंची कोल तनाड़ जाने शुरू कर देंदे ने, दिहाड़ीदार तां फिर जाएगा भी यार जे जांदा ते मेरा भी काम बनेगा। गुरु साहिब कहिंदे ने आओ मैं एक भेखी तुहानूं दिखाना, वह है आखन भीतर तेल को डार कै सो लोगन नीर बहाए दिखावै, जो तनवान लखै नी सेवक ताहे परोस प्रसाद जमावै। ये अर्थ की ने कि सरों का तेल कच्ची कहानी वधिया सरों होवे प्योर तेल होवे, तुसी एक बारी हाथ नूं ला के मूँह पूंजो ना तो किन्ना समा अखां चों पानी निकली जांदा। महाराज कहिंदे अखां च तेल पा लिया, मैं परपंचियां दी बेनती कर रहा, अखां च तेल पा लिया पानी वगना शुरू हो गया, उन्नी देर नूं शरधालु आ गए चेलां कोल बैठा सी, हुण जदों कुदरती तौर ते निछ आएगी अखां चों पानी निकलेगा उस वक्त गले ते असर भी होवेगा। कुदरती हुंदा है ना जी, गला उहदे कोल एक्टिंग है, गला भारा कर लिया, जदों शरधालू ने मत्था टेकिया कड़ी पिछों अखां पूंजी जाए बोले ना, ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे पुछिया भी नहीं होया कि, चेला कहिंदा चुप करो अज तां सवेर दा परमेश्वर दा बराग ही छुटिया होया। महाराज कहिंदे इह भी एक तरीका है जी,
ते मैं न्यू वेस्ट एक दिन कथा कर दिया क्या मैं एक पख लिया महाराज बिल्कुल थोड़ा रचना चो बहुत कुछ गुरु साहब ने इस बारे कहा। एक किताब सी मेरा पिंड ज्ञानी गुरदित सिंह दी एम ए च भी लगी सी जो किताब ते मेरा ख्याल पंजाब दे कल्चर दी तर्जमानी कर दी वो किताब मेरा पिंड जिहड़ी उस विच की होया भी वह कहिंदा भी एक बारी एक पखंडी ने ना चार दरवाजे बनाए सन अपने जिथे रहिंदा सी तीन के चार ते उसने चेले बाहर बिठाए सन ते जदों जिस दरवाजे तो जे मान लो बाहर बंदा बैठा है दुखी बंदा सब को ही कहिंदा मेरा कुछ हल हो जाए जे उस बंदे नू संतान की लोड़ है उन्हें कहा सी संतान वाले नू इस बुवेरी कली बीमारी वाले नू इधरों कली जिन्हों रुपया चाहिए इधरों कली दरवाजे बनाए हुए ने हुण चेले ने पहले ही पूछ लेना भी किवें आए हो उन्हें कहना जी साडे घर संतान कोई नहीं कहना बह जा कड़ी ते नाल ही बुआ खड़का के ना जिहड़ा सी जिहड़ा कोटवर्ड सी भी संतान वाले इधरों वह बंदे ने अंदर प्रवेश करना ते पखंडी दूर ही कह दिंदा सी अच्छा सारिया थावां ते घूम के हुण पुत्र लैण मेरे कोल आ गए वह नाल ही मत्था टेकदा बाबा तां अंतर जामी वह दरवाजे का कोटवर्ड सी हुण जे कहया बीमारी वाला आ गया उन्हें आउंदिया सार जो उस दरवाजे की घल्या उन्हें दस्या सी बीमारी वाले इधरों आउण आउंदिया सार कहिंदा थां थां ते घूम आयो दवाइया लैके हुण आ गए साडे कोल उन्हें कहना बाबा जी अंतर जामी कहिंदा जे सौ बंदा बीमार आया 25 तां ठीक होणगे ना वह कुदरती होणगे ठीक जे सौ बंदा पुत्र ती मंगण आया 15-20 दे घर तां संतान होगी ना कह लगे जेड़ा नू नहीं होई वह होर बाबा वेख लैणगे जिन्ना कर होगी वह पक्का बाबा बन गया। एक परपंच गुरु गोबिंद सिंह देखो बचन कर रहे आखन भीतर तेल को डारकै सो लोगन नीर बहाए दिखावै जो तनवान लखै निज सेवक ताहे परोस प्रसाद जमावै। अमीर बंदे नू देखदा माड़े बंदे नू नेड़े नहीं फटकन दिंदा तनाड बंदे दे कोल जदों तनाड हुंदा है उहनूं कहिंदा अज तां मेरे सवेर दा चित सी तुसी आओगे ते लंगर कट्ठे छकांगे उहनूं अपनी रोटी दियां बुरकियां भी थाली विच खवांदा पिया पर जिहड़ा गरीब जांदा है उहदे लई बूहा भी नहीं खोलदा। एक बित पूरा आखन भीतर तेल को डार कै सो लोगन नीर बहाए दिखावै जो तनवान लखै नी सेवक ताहे परोस प्रसाद जमावै जो तनहीन लखै तै देत न मांगन जात ना मुखों दिखावै। गरीब कहिंदा मैनूं रोटी नहीं एक करी दर्शन ही करा दिओ महाराज कहिंदे लोट तो है पश लोगन को कब हूना परमेश्वर के गुण गावै कहिंदे बेईमान रब दे गुण नहीं गाउंदा यह लुटेरा जे हुण देखो जदों असीं पढ़ांगे तो समझ पएगी ना क्यों नहीं पता लगेगा जीवन वाला किहड़ा है। इस दे नाल अगला सलोक है महाराज जी का हजूर कहिंदे ने कि बंदा ठगियां मारदा है लुट तै पश लोगन को कब हूना परमेश्वर के गुण गावै अगे महाराज का बचन है डिंब करै मन मूर्ख काहे को डिंब करै मन मूर्ख डिंब करै अपनी पत खावै है। बनावट किन्ने दिन चलेगी प्यारियो रब जी भी टाइम देंदे बंदा बन जा बंदा बन जा जो सिर तो पानी लंघदा है ना पर वो सब कुछ खोल के दुनिया सामने रख देता है। महाराज कहिंदे मूर्खा क्यों पखंड कर रहे हैं काहे को डिंब करै मन मूर्ख डिंब करै अपनी पत खावै है काहे को लोग ठगै ठग लोगन लोग गयो परलोक गवै है लोगों नू ठगना तेरा परलोक चला जाना है। दीन दयाल की ठौर जहां जिथे अकाल पुरख का टिकाणा वाहगुरु का घर है तै ठौर विखे तै ठौर ना पै है उस घर विच तेनू सूई जिनी थां नहीं मिलनी। महाराज कहिंदे ने चेत रे चेत अचेत महापश भेख की कीने अलेख ना पै है इस पखंड नाल अलेख मिलेगा। मैं सिर्फ 3-4 बेनतियां कीतियां भी गुरु गोबिंद सिंह जिथे करमवीर अपने सिखां नू समझांदे आ उत्थे महाराज कर्म कांडी लोगों के कर्म तो मुक्त करके सानू रूहानियत में जोड़ते हैं। अगला पक्ष मैं बेनती अज कर लगा गुरु गोबिंद सिंह महाराज बहुत महान विद्वान ने मैं अर्ज की अरबी फारसी ब्रिज भाषा संस्कृत पंजाबी महाराज ये पांच भाषावां दे माहिर ने। आप जी जाप साहिब पढ़ दे
गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी, चलो मैं तो यह लै ली, समझ छेती पै जाएगी, सारे पाठ करने, तो जेडे नहीं करते प्लीज जरूर पाठ करया करो इस बाणी का, नितनेम नहीं छड़ना। मेरी बेनती तुहाडे चरणा च, भावें विद्वाना दे प्यो दा प्यो भी उठ के आ जाए, जो पंजां प्यारे ने कहा मरदे दम तक यह नहीं छड़ना। मैनू भी बड़ियां दलीलां दित्तियां, भाई साहब तुसीं ते पढ़े हो, तुसीं ते इन्नियां किताबां पढ़े, मेरे नाल होई बड़ी पुरानी गल, मैं फिर सब कुछ सुन के कहा भी मैं जी मैनू कोई पता नहीं। आनंदपुर साहब अमृत छकिया सी, पंजां प्यारिआं ने आ के आ सी, ते मर के इको ही गल कहांगे गुरु गोबिंद सिंह असी तेरी उस धरती तो अमृत की दात लैके मरदे दम तक नेम नहीं छड़ना, घर छड़ना प्रवान है, थां छड़ देंगे जिथे जावे, नितनेम ना कदी छड़ियो, प्लीज मन ना भी लगे नेम फिर भी नहीं छड़ना। नेम ही एक दिन प्रेम बनता हुंदा है, जिन्हां दा नेम हुंदा है प्रेम बनता है, जिन्हां दे पल्ले प्रेम हुंदा है नेम उन्हां दे निभदे हुंदे है। नेम ते प्रेम दा आपसी बड़ा रिश्ता है, नाम ही दिल लगे, मैं आ कहोगे भी जे नहीं दिल लगता की फायदा, मेरा नहीं लगता, मैं पढ़ रहा नमस्तमंग काले नमस्तमंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाए नमस्तंग अजाए नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे, मैं पढ़ रहा, मैं भुल सकना, पर जिदे ना ते जाप साहब लिखे वाहगुरु तो वेंदा पे ना, इस नुकते न क्यों नहीं बाणी पढ़ दे, मैनू भुल गया, मान लो मैं चेते नहीं कर रहा, मेरी जबान बोलती पई है, पर गुरमुखो घट्टो घट जिन्हों मैं नमस्कार दे शब्द पढ़ रहा, परमात्मा यह तो कहेगा ना भी बंदा रोज बहिंदा है, पर एक दिन दाता इस भटकते हुए मन नू काबू जरूर करेगा। भाई नंद लाल साहब कहिंदे आ, वाहिगुरु भाई गुरदास साहब वह कहिंदे आ, दीवा बले पतंगा पहली बारी थोड़ा सड़ जाता है, कई बार भंबड़ जिहड़ा वह परिक्रमा करके वापस आ जाता है, पर सच ये वे कि रोज परिक्रमा करे एक दिन भंबट भटकदा होया अग दे विच डेके अग दा रूप हो जाएगा। तेरा मन भंबट दी तरह भावें भटकदा होवे पर गुरु शब्द दा अभ्यास कदी ना छड्डी, एक दिन तेरा मन भी शब्द भी जरूर डग पवेगा, मन जरूर उस वर्गा होवेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दी रचना च जाप साहब तुसीं देखो, विद्या दा शिखर है जी जाप साहब। मैं एक बार अर्ज की सी, मान लो कोई फारसी का विद्वान है, उन्हें यह शब्द कहिए भी तुसी रचना भी करनी है पर विच संस्कृत भी फिट कर लोगे, तुकांत भी पूरा रखना है, मात्रा भी नहीं घटन देनी, छंद दे पूरे जिन्नी मात्रा ने पूरी चाहिए ने। मेरा ख्याल है अरबी का विद्वान कहेगा मेरा विशा नहीं, मैं फिजर अरबी फारसी जानना वा, मैं संस्कृत नहीं। संस्कृत दे विद्वान नू कहो कि तू अपनी कविता विच फारसी दे लफ्ज़ां नू परो सकना, वड्डे तो वड्डा विद्वान लोग कहेगा नहीं। जाप साहब तुसी पढ़ो, गुरु गोबिंद सिंह कमाल कर दित्ती, संस्कृत अरबी फारसी ते ब्रिज भाषा चारे इकट्ठियां कर देंदे आ, ना छंद दी मात्रा घटन देंदे आ ते ना रब दे नाम दा रस घटन देंदे आ, एदू वड्डी विद्वता। आ तुसी भगवती छंद शुरू करो, दो भगवती छंद आउंदे ना, एक कथ ते आउंदा है भगवती छंद, तब प्रसाद भगवती छंद कथ ते जिहड़ा पढ़ने के अशिज देसै के अपिज भेसै के अगंज करमै के अपंज भरमै, संस्कृत के सरबत्तर देसै के सरबत्तर भेसै के सरबत्तर गौनै के सरबत्तर पौनै, संस्कृत है ना जी। तुसी छंद पढ़ते पढ़ते जदों इत्थे पुछदे हो गनी मुल शिकस्ते गरीबुल प्रस्ते बुलंदुल मकाने जमीनुल जमाने, टोटल फारसी, याद रखियो ना गुरु मात्रा कटन देंदा ना छंद विच फर्क पैण देंदा, गुरु गोबिंद सिंह वर्गा महान कवि कोई नहीं। संस्कृत फारसी इकट्ठी कर दिती, हजूर सच्चे पातशाह जो चंडी की वार कहिंदे आ उहदी एक एक पौड़ी तुसीं देखो पंजाबी का शिखर है। मैं आप जी नूं बेनती करा, मैं तर्क च नहीं पैणा, भाई कान सिंह नाभा विद्वान नूं सारी मानदे आ, चाहे किसे धड़े का भी है, पर भाई कान सिंह नाभा ने चंडी की वार का टीका किया, जे किसी खरीदना हो श्रोमणी कमेटी ने कई साल बाद दोबारा छापिया है, उस विच डिटेल भी दिती है भगवती के अर्थों बारे। मैं फिर बेनती करांगा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज, वो सामने विद्वान कोई नहीं रुक सकता,
ईवन फरदोशी का शाहनामा है जी फारसी च, जदों गुरु गोबिंद सिंह जफरनामा लिखते आ जिहड़ा शेर तुसीं पढ़दे हो, चुकार अजहमा हील ते दर गुजस्त हलाल अस्त बुरद ने बाय शमशीर दस्त, इहदा जिक्र फरदोशी भी करदा है। गुरु कहिंदा फरदोशी भी, इह कहिंदा मैं सुणिया तू विद्वान कहें, शायद तू फरदोशी का शाहनामा पढ़िया होवे। महाराज जी की तुसीं विद्या देखो, उन्हां वर्गा विद्वान कोई नहीं। अगली बेनती करां, 52 कवि ने गुरु दरबार च, मैं सिर्फ 3-4 का जिक्र करांगा। उंज मैं हजूर दी हजूरी तुहानूं बेनती करदे आं, 52 कवियां दे नाम, 36 लिखारियां दे नाम, 4 लिखारियां दे जिहड़े नाल उहनां दे नाम, सतगुरु की कृपा नाल साडे सिख विद्वानां ने तकरीबन 52 कवियां दी रचना थोड़ी थोड़ी सारी इकट्ठी कीती होई। ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 52 ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 3-4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਪੰਡਿਤ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾਨਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਾਜਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੇਜਿਓ। 5 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਣ ਭੇੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਿਰਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਝਿੜਕੋ, 10 ਦਿਨ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਤ 'ਤੇ ਸੌਂਜੂਗਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭੰਡਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲੇ, ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ, ਇਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗਿਰਾਰਥ ਕੋਸ਼। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਮੋਕਸ਼ ਪੰਥ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮੋਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ 1-2 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਟੋਟਲ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਂਝਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗਾਂਝਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਉਹ 'ਚ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। 3-4 ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਸਾਗੇ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਾਗ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਾਰਸੀ ਕੁੱਤਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗੇ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਗਦਾਰੇ ਨਾਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਤੇ ਕੂਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ, ਭੌਂਕਾਂ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈਂ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ
बचन पढ़ने हैं सारे। भगत हीन नानक जे होएगा तां खसम है ना उन्हें जाई। मैं कुत्ता माड़ा हो सकना पर खसमा तेरा नाम मेरे नाल जुड़ गया है, तू ते खसमाना करेगा ना। भाई साहब कहते लाल सगे गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह, अगली तो के कमंत्रीन घट हां, कुत्तियां नाल ही माड़ा वा, कमंत्रीन के सैगान गुरु गोबिंद सिंह, रेजा चीने खान गुरु गोबिंद सिंह। सतगुरु नहीं तेरे कुत्ते भी खुशकिस्मत ने, मैं ता तेरे कुत्तियां दे पैरा वर्गा भी नहीं, मैं तेरे दर दियां बुरकियां चुन वाला वा। भाई साहब नूं पुछो दो शेर मैं कहांगा, एक ता गुरु गोबिंद सिंह जी बारे जुल्फ दा, वह तुहानूं सब नूं पता है। महाराज केसी इशनान कीता जी ते केस हरे कर रहे आ, अपने जी सुकाने नहीं ना कहिंदे गुरमत च, आम घरां च कहिंदे केस धोले मुंडिया सुकाला है, साढ़े गुरमत दे बोलियां च कदी नहीं कहिंदे सुकाना, इक्को गल कहिंदे आ पुत्तर केस धोते ने हुण हरे कर लै। किड्डा प्यारा लफ्ज़ वरत्या, तेरे केस ना कदी सुक जाण, उंज असीं सारी कहिंदे केस सुका लो पर नहीं, केस हरे कीते जांदे आ। शायद आप नूं पता होना जिहड़े खालसे दे बोलियां तों जाणू, गुरु गोबिंद सिंह जी ने केसां दे उत्ते बस्तर लिया, हवा आई ते जुल्फ उड के महाराज दे चेहरे ते आ गई। सतगुरु दे इत्थे तिल भी सी, भाई साहब उहदा जिक्र भी करदे, उह जुल्फ जदों हवा च उड्डी, भाई नंद लाल कलम चुकदा है, कहिंदा है मेरे महबूब आ तेरी एक जुल्फ एक वाल एक केश जिहड़ा अखां दे सामने आ गया इन्ना प्यारा है, इहदी कीमत दो जहानां नाल पाई जा सकदी है, दो जहान भी इहदे सामने कुछ नहीं। दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुक सारे मां मां मेरा, दीन ते दुनिया, मैं पंजाबी च इहदा तर्जमा कर दिंदा, दीन दुनिया दर कमंदे आ पुरी रुक सारे मां, हर दो आलम कीमते यक तारे मुवे यारे मां। यक दर्थ एक, तार दर्थ समझ गए, मुवे दर्थ केश। दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुक सारे मां, हर दो आलम कीमते यक तारे मुवे यारे मां। एदा टीका कीता दीन ते दुनिया दोवे बदे अंदर जल्प प्यारे हू, एक एक वाल माही दे उत्तों मैं दोनों आलम वारे हूं। भाई नंद लाल साहब एक उन्हां दी होर मैं शेर अर्ज कर देना, भाई साहब दी रचना च है, महाराज जदों रात नूं प्रीख्या लैंदे आ ना गुरु गोबिंद सिंह ते, लंगर भाई नंद लाल साहब दा सब तो श्रेष्ठ निकलदा, ते उस वक्त महाराज ने गल कहिंदा मां दाता, सतगुरु कहिंदे रात तेरे कोल गए तू सानूं लंगर छकाया पहचाणिया, कहिंदे हाँ दाता समझ ते गया सां पर मैं सिख हाँ, कहिंदा गाहे सूफी गाहे जाहिद गाहे कलंदर मेशवद, रंग हाए मुखतलिप दारद बुते अयार मां। इहदे अर्थ थोड़े जे सुनियो, कदी तू सूफी बन के शरां तो बाहर निकल के रब दे गीत गाना है, किते शराई बन के नमाजा पढ़ना है, किते कलंदर बन के नाच प्या करना है, किते तू दाना बिना विद्वान बनना है। हे सतगुरु मूरतां भावें तेरिया वक्रिया वक्रिया ने, कपड़े तेरे वक्रे ने, पर यारा सारिया विच वरतदा तू प्या है। फिर सुनियो गाहे सूफी गाहे जाहिद गाहे कलंदर मेशवद, रंग हाए मुख्तलिब दारद बुते अयार मां। मेरे शलिए सजना ये तेरी रूप ने मैं पहचान लगा तू जेड़े रूप च भी आएगा। भाई नंद लाल साहब एक होर होए आ, ये भी मैं आप जी नूं बेनती कर दें, 52 कवियां च दो नंद लाल सन, ये दो भरा इकट्ठे सन, गोया वक्रे ने ते ये नंद लाल वक्रा, अक्सर साडे विद्वान दोनों नूं इकट्ठे सुना देंदे। मैं तर्क नहीं कर रहा, जे गल दा पता लगे मैं भी इस तरह करदा रहा पहला, जदों मैं पढ़िया एक होया पिंडी लाल कवि सी, पिंडी लाल दे भरा दा नां सी नंद लाल, उहदी रचना पंजाबी च, उह नंद लाल कहिंदा एक दिन सतगुरु पासो असा प्रेम सुराही पीती, ए इस भाई नंद लाल की रचना नहीं जिहड़ी बाणी पढ़ी जाती है, नंद लाल दूजे ने,
एक दिन सतगुर पासो असी प्रेम सवार राही पीती, भाए असाडी लकी फकीरी सो मस्तक धर लीती। इहदियां चार सत्रां ये ने। एक दिन सतगुर पासो असा प्रेम सुराही पीती, मस्तक साडे लिखी फकीरी ओ सो मस्तक तर लीती, भाए साडे भाग साडे लिखी फकीरी सो मस्तक तर लीती। सारी उम्र गुनाही बीती, खर की भगत ना कीती, आगे सुधर चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। ये कवि दूजा है नंद लाल, ये भाई नंद लाल वो नहीं जेडे गोया ने। पर मैं एक होर बेनती आप जी नूं करां, गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार विच कई ऐसे भी आए जिहड़े विद्या दे हंकार च पीड़े पै सन। मैं मिनट तुहाडे पंज सत्त लांगा, प्लीज़ काहली ना करियो। अज एक कवि आउंदा है, हो सकदा आप जी नूं सुनाया भी पहलां, वो सवैया लिखदा है, रचना करदा है, पर नाले भारां ते पै जांदा है। महाराज कहिंदे ने कि अज तुसीं कोई रचना कीती सुनाओ, उहदा नाम चंदन है। वह कहिंदा महाराज मैं रचना तो की है पर सुनावां नूं सुनाउण नूं दिल नहीं करता। सतगुरु कहिंदे आ क्यों? हंकार इन्ना। कहिंदा जिहड़े अज मैं शब्दावली वरती है इहदे अर्थ किसी ने कर नहीं सकने इस दरबार च। महाराज हस पए, कहण लगे चलो असीं यतन कर लांगे। कहिंदा नहीं नहीं मुश्किल है जी थोड़ा जिहा, जदों मत मारी जाए ना बंदे दी, चेते रखियो, कल्लिया नशा करन वाले दी मत नहीं मारी जांदी, कथा वाले लिखण वाले दी मत भी भ्रिष्ट हो जांदी कई वारी। वो गुरु तो अगे निकलण दा यतन करदे। वाहिगुरु मैं शब्द वरत्या, गुस्सा ना करियो इस चीज़ दा। जदों तुसी अपनी विद्वता नूं सामने रख के गुरु नूं छोटा दिखाओगे तो मरांगे, बचन दा कोई हीला नहीं, गुरु समर्थ है। उत्थे महाराज जी ने कहा भी चल तू पढ़ तां सही। उन्हें एक बित पढ़िया, नवसात तीए नवस, मैं अर्थ कर देना अगे, नवसात तीए नवसात किए, नवसात पिए नवसात पियाए, नवसात रचे नवसात बचे, नवसात पिया पै दायक पाए, जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए, मानू मेघ के मंडल में कव चंदन चंद कलेवर छाए। चुप कर गया, सारे पासे चुप छा गई। मैं अर्थ अगे करांगा इहदे। इन्हें जदों अपनी रचना पढ़ के चुप किया, गुरु गोबिंद सिंह बोल पे चंदन आई कि होर भी कोई? कहिंदा नहीं महाराज यही रचना। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने इस जैसे के अर्थ विचार न खमरे काही करे उचारन। तू गुरु घर के विद्वानों को चैलेंज किया, पर मैं तेनों देख देना दस देना जेड़ी तू रचना की है साडे घोड़िया खरकना करने वाला, घा ला के वढ़न वढ़ के पाण वाला, तेरी कविता दे अर्थ कर देगा, तू किस हंकार तुरिया फिरना है। महाराज ने कहा बुलाओ भाई धन्ना सिंह जी। आप जी नूं पता होना भाई धन्ना सिंह गुरु के घोड़िया की सेवा करते सन। याद रखियो घोड़िया की सेवा करने वाले का नाम ही बवंजा कविया च है भाई धन्ना सिंह। यह नशहरा पनवा ना जरा पिंड माझे च, शायद उस इलाके के तुम कोई सज्जन होवो, नशहरे पनवे दे सन भाई धन्ना सिंह जी। उन्हां दे नाम दे गुरुद्वारा ही बाबा मानोचाल ने बनाया, गुरबचन सिंह होना। तो उस पिंड विच माता साहिब कौर जी का हुक्मनामा भी पिया होया, माता जी के नौ हुक्मनामे ने पूरे माता साहिब कौर जी के। भाई धन्ना सिंह का काम से जी खरकना करना, घोड़िया नूं घा पाना, तो संगत चाहते सन पिछे बहना, कीर्तन सुनना, बोलना, किसी नाल नहीं चले जाना, रेंदे अस्तबल सन। हाँ महाराज जदों नीले कोल जांदे सन ते किन्ना किन्ना समा भाई धन्ना सिंह चरणा च बहिंदा सी। महाराज जी ने कहा बुलाओ भाई धन्ना सिंह। भाई धन्ना सिंह मोढ़े ते रखी ए चादर, घा कट्टन चले आ, हाथ विच दाती ते खुरपा है। अस्तबल चो निकलदिआं नूं सेवादार मिल गया, कहन लगे भाई साहब जी, भाई जी जी, कहन लगे तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने बुलाया है। कहिंदा मेरा वक्त तां घोड़िया की सेवा दा है, अजे मैं खरकना कीता है, पानी पियाया है। इन्ना सचेत रहिंदा सी गुरदेव दे घोड़े दा थल्ला थां कदी भिजन नहीं सी देंदा। कहिंदा सत बचन ओही दात्री खुरपा साडे पल्ली कहिंदे हुंदे सन, मोढ़े ते लई
ते महाराज के दरबार च आ गया। चंदन ने वेख्या सोचता मेरी बेइज्जती करनगे भी ये कविता के अर्थ करूँगा। हुण वो घा वड्डन वाला बंदा खरकना करके आया घोड़िया को कि अतर लाया उत्थे ओही कपड़े ने ते मत्था टेक कहिंदा हजूर हुक्म। गुरु साहब कहिंदे आ दात्री परा रख सत बचन जी स्टेज ते आ जा। स्टेज ते चला गया कहन लगे चंदन तू कविता पढ़ तेरी कविता दा अर्थ साडा भाई धन्ना सिंह करेगा। भाई धन्ना सिंह कहिंदे महाराज मैं कहन लगे तुसी करोगे। उहदे नेत्र मुंद गए शुकर च। चंदन ने कविता शुरू कीती जी मैं दूजी बार पढ़ लगा नवसात तीए नवसात किए नवसात पीए नवसात पियाए नवसात रचे नवसात बचे नवसात पिया पै दायक पाए जीत कला नवसातन की नवसातन के मुख अंचर छाए मानो मेघ के मंडल में कव चंदन चंद कलेवर छाए। चुप कर गया भाई धन्ना सिंह हस के कहिंदा इह कम दी गल तां कोई है नहीं इहदे च। कहिंदा इह इह कविता किहड़ी कित्थों लै आया तूं। पर रंग पीला पै गया नहीं प्यारिओ मैं कई वारी कहिंदा जिहड़े गुरु घर च भांडे मांजदे ने ना जोड़े झाड़दे ने मैं मत्था ना लै लिओ इहनां दी जबान तों बोलिया होया बोल रब ते गुरु कदी नहीं मोड़दा हुंदा। बुद्धू सारी संगत नूं 36 प्रकार दा लंगर छकाई बैठा है। लखू ने बाहरों इको गल कही गुरु अर्जुन देव तेरे बच्चों धक्के मारन वाले दे आवे किवें पक सकदे आ। तुहाडे सामने बुद्धू दावा है ना लाहौर जिहड़े पाकिस्तान जांदे वो अजे थां मौजूद है। धन्ना सिंह कहिंदा चंदन इह की इह कोई कोई गल तां है नहीं इहदे च। पर महाराज हस के कहिंदे नहीं वी तूं अर्थ कर। खलो के कहिंदा साध संगत जी इहदे सिर्फ गिनती जे सुणियो नवसात तीए नौ ते सत किन्ने हो गए 16। बस 16 की गिनती घूमती पई है। नवसात तीए तीए मींजे इस्त्री 16 साल की औरत। नवसात पीए नवसात गिनी जाए 16 सारिया थावां ते। पीए का अर्थ है पति। 16 साल की तीए ते 16 साल का पीए मतलब पति ते पत्नी 16-16 साल दे। नवसात तीए नवसात पीए नवसात नवसात तीए नवसात पीए नवसात पियाए 16 साल का पति 16 महीनों बाद अज घर आया। उम्र दोनों की 16 साल। नवसात तीए नवसात पीए नवसात रचे रचे दर ते 16 तरह के शिंगार भी किए ने उन्हें। नवसात पियाए क्योंकि 16 महीनों बाद पति घर आया। पहली तुक दे अर्थ हो गए नवसात तीए नवसात पीए नवसात रचे नवसात पियाए नवसात रचे नवसात बदे नवसात पिया पै दायक पाए। रात का वेला सी दोनों कहने आ चौपट खेडिए। उन्हें खेडते होंगे जिहड़ी वह घोड़िया वाली नरदा वाली ते वारियां मेथलियां 16 खेडलियां ने। 16 साल सारी उम्र है तू 16 महीनों बाद बाहर आया ते अज 16 बाजियां लानियां ने। नवसात बदे नवसात रचे नवसात पिया पै दायक पाए 16वीं वार घर वाला जित गया। जीत कला नवसातन की नवसातन के मुख अंचर छाए वह 16वीं कला जिहड़ी सी 16वीं बाजी जित गया ते 16 साल की बीबी शर्म की मारी इको दम अपने चेहरे नूं चुन्नी नाल ढक लिया ते चेहरा अंज लगदा सी जिवें बदलां दे विचों चंद्रमा दिसदा है। धन्ना सिंह कहिंदा इह च किहड़ी गल है सुणियो। नवसात तीए नवसात पीए नवसात पियाए नवसात रचे नवसात बदे नवसात पिया पै दायक पाए जीत कला नवसातन की नवसातन के मुख अंचर छाए मानो मेघ के मंडल में कव चंदन चंद कलेवर छाए। कलेवर दा अर्थ हुंदा बॉडी। चंदन कहिंदा वेखो ए इस औरत दा चेहरा अंज लगदा है जिवें चंद्रमा चो बदलां चो चंद्रमा झाकदा है। बस पानी हो गया जी। महाराज हस के कहिंदे आई तू चुक के तुरिया फिरदा किसे राजे दे दरबार सुनांगा इत्थे विद्वान कोई नहीं। कहन लगे जिन्ने भांडे मांजन वाले ना 52 कवि गिनती च रखे आ ये ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त ने तू किस भुलेखे तुरिया फिरना। भाई धन्ना सिंह कहिंदे महाराज जी फिर हुण मैनूं इजाजत है टाइम हो गया घा दा। सतगुरु कहिंदे हुण तू कविता कर ये अर्थ करेगा।
सोची पे मारे कहते नहीं वो कवि जड़े सन कागज लैके कलमा लैके शाइया लैके बैठे महाराज कहते बिना कलम दुआ तो कर कविता। उन्हें फिर कविता करन तो पहला गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा च मत्था टेकिया कहिंदा मैं कोई गूढ़ गल नहीं करनी मैं सिर्फ तेनू तीन नुकते देने ने बस यही देखना तू विद्वान है तो विश्राम कित्थे लाएगा। उन्हें कविता कही मीन मरे जल कै प्रसै कब हूं ना मरे पर पावक पाए। अर्थ मैं अगे कर देंगा हाथी मरे मद कै परसै कब हूं ना मरे तन ताप के आए त्रिय मरे पत के परसे कब हूं ना मरे पिर परदेश सधाए। गूढ़ में बात कही दिजराज विचार ना सके बिना चितलाए। कर मेरे सवैये दे अर्थ हुण सुनियो विश्राम बड़ा कुछ कर देंदा। संगत चुप बैठी भी मैं तां क्या गुरु गोबिंद सिंह विद्या वीर दा दरबार कैसा सी। अज कला मर गई कवि कवि कोई नहीं किन्ने कोई इत्थे मैं नहीं देखा कभी कविता कवि हुंदे हुण। चार गल्लां कायम रखोगे तो गुरमत कायम रहेगी पाठ कीर्तन कथा ढाडी वारा ते कवि ये साडे अंग ने सिखी दा। कहन लगे दे अर्थकार सुनियो उन्हें पहली सत्र पढ़ी कहिंदा मीन मरे जल कै परसै कब हूं ना मरे मीन मरे जल कै परसै कब हूं ना मरे पर पावक पाए। सुनियो तो किस तरह पढ़ी मीन मरे जल कै परसै कब हूं ना मरे पर पावक पाए। इत्थे विश्राम लाया जदों भाई साहब कहिंदे अर्थ की बने दे अर्थ ये बन गया मीन मरे जल कै परसै मीन अर्थ मच्छी मच्छी मर जाएगी पानी च ना पायो कबू ना मरे पर पावक पाए। अग भी सड़ दो कदी नहीं मरती कहने खलो अग च मच्छी मरती कि पानी च मरती पहला सिद्ध कर। वो कहता गल तो ठीक है पानी तो जमदी अग सत्या मरती कहते तू अर्थ ये कर रही मीन मरे जल कै परसै यद अर्थ हो गया मच्छी मरेगी पानी सत्या कबू ना मरे पर पावक आए पाए। कदी नहीं मरती जे अग सड़ दो भाई साहब कहते सिद्ध करके दिखा। सोची पै कहे छड अगली तुक दे कर उन्हें अगली तुक पढ़ी हाथी मरे मद कै परसै कब हूं ना मरे तन ताप के आए। हाथी गज हाथी नहीं मरदा जे नशा पिया दईए मर जांदा जदों ताप आउंदा। भाई साहब कहिंदे दस मैनू ताप आया मरदा कि नशा आया मस्त हुंदा अर्थ नहीं होए। भाई साहब कहिंदे छड चल तीजी दे कर अर्थ तुक दे कहिंदा ती मरे पत के परसै ती दर्थे इस्त्री सुहागण पति स्पर्श करेगा ते पत्नी मर जाएगी कबू ना मरे फिर परदेश सधाए पति परदेश चला जाए कदी नहीं मरदी। कहन लगे फिर दस अर्थ ढुक दे चुप कर गया जी। सतगुरु कहिंदे तन्ना सिया तू कर दे कहिंदा महाराज गल मेरी भी कोई वड्डी नहीं हैगी मैं तो सीधी जटकी जी कविता बनाई है मैं च कोई ब्रह्म ज्ञान रखे बस इको गल की है गूढ़ मैं बात कही दिजराज विचार ना सके बिना चित लाए। मैं तो एक कौम ही बनाया महाराज एक विश्राम ही नहीं लाना सी। कहन लगे ये पाठ करता पै मीन मरे जल के परसै कब हूं ना जड़ा उन्हों अगले पासे ला लिया दूजी सत्र ते एदा पाठ कर मीन मरे जल के परसै कब हूं ना मरे पर पावक पाए। कब हूं ना ते विश्राम दे अर्थ आपी हो जाएंगे हाथी मरे मद कै परसै कब हूं ना मरे तन ताप के आए ते मरे पर के परसे कब हूं ना मरे पिर परदेश दाए गूढ़ में बात कही दिजराज विचार न सके बिना चित लाए। एक विश्राम ही नहीं लाना आया तेनू कभी किने बना देता। हुण याद रखियो महाराज इहो जिहा हासरस करदे सन चंदन दे खाने गई पर गुरु साहब ने कहा नहीं तू साडा दरबारी कवि है हंकार नहीं करीदा कविता दा। भाई धन्ना सिंह दियां काफ़ी रचनावां ने जी फिर कितें आपां करांगे। उस तो अगली गल सिर्फ दो मैं गल्लां होर करनियां ने कवि दरबार विच कई वारी घाट भी आउंदी सी। महाराज दे तीन कवि दरबार ने जी एक पौंटा साहिब दा एक आनंदपुर साहिब दा ते तीजा लखी जंगल दा। लखी जंगल भी कवि दरबार होया। मैं लखी जंगल दियां दो रचना तुहानूं सुनाणियां ने। पौंटा साहिब दी घटना जी ते
आनंदपुर साहब की एक है। एक गुरदेव का उलत्थाकार से उसका नाम से रोशन सिंह। वह जदों महाराज कोई रचना करते सन लिख के उलत्था करके तोशेखाने जमा करानी होंदी सी। ते चेते रखियो चोरी कली पैसे दी कपड़े दी हुंदी, ख्यालां दी भी चोरी हुंदी। कविता किसे दी हुंदी है, अखर वड कट के अपना नाम पिछे फिट कर दिता, लोकी कहिंदे बड़े कमाल दा ख्याल है। जिन्नी कविता चोरी हुंदी है खिमा करियो शायद उन्नी कोई नहीं हुंदी। महाराज जी ने सवैये उचारण कीते जी, इहनू कह दिता भी जमा करा दे। ये जांदा जांदा राह च रुक गया, मन च आया भी भाई सवैया की चाल सवैया के शब्द इन्ने कमाल दे ने। जमा करान की थान ना अपने पट उत्ते लिखन लग पिया ख्याल। एक एक सदर विद्वान बंदा बस इशारा ही बड़ा है, वह लिख ही जाए पट ते लिख के तो महाराज को आ गया। गुरु साहब वेख लिया क्यों कपड़े पट ते लिखे, उत्तों कपड़े पा ले सारे ढक लिया। महाराज ने इन्नी देर नूं कोल बैठे सिख नूं कहा भी तेल दही ते साबन लियाओ, साबन तेल लियाओ। उन्हें सोचा दरबार सजा साबन तेल। रोशन सिंह नूं खटक गई भी कितने ये भी महाराज ने भुल जाना है, ये कोई दिन सवैया अपने ना थले चेप के कि सुनागा। वो साबन तेल दही आ गया, कहते महाराज हुक्म। कह लगे चार सिख जाओ रोशन सिंह नूं मलके नूं आके लो। हुण वो सवैये लिखे सन पट उत्ते, जदों नवाना शाही सारी खुर जानी। महाराज कहिंदे नूं चंगी तरह मलके नूं आके लियाओ। वो कहिंदा नहीं ना मैं सवेरे केसी करके आया। महाराज कहिंदे सवेरे केसी करके आया, मैल हुण चढ़ गई चल ना गया। पर किसे नूं दस्या नहीं, करतूत की कीती। वो तरले मारदा नहीं, महाराज मैं नहाता वा मैनूं ठंड लगी। गुरु साहिब कहिंदे जिहड़ी ठंड लगी मैनूं पता, तैनूं कहा ना। चुप करके अगे तुर गया, कपड़े लवा के जी ये दही नाल मलिया। जदों सारे पट शाही थले उतर गए, वापस आके जो बह गया, महाराज कहिंदे ना रोशन के रोशनाई चानना के शाही। सुने दो बचन कह, रोशन के रोशनाई। रोशनाई का लफ जी अर्थ हुंदा जी शाही, काली हुंदी। कहिंदे ना तेरा रोशन सिंह काम तू काले करना, चानना के शाही। ना तेरा चानन है ते काम तू हनेरे दे करना। चरण पकड़ के कहिंदा पर्दे ढकण वालिया मैं ते तो कुर्बान जावा। सतगुरु कहिंदे आ भावें धन की चोरी होवे भावें ख्याल की चोरी होवे पाप हुंदा सिखा। अज नवा दिता, इस तो बाद दाग ना लगन दे। एक होर उदाहरण महाराज जी नूं कलम दिंदे। एक आसा सिंह मुस्तदी होया महाराज जी का, यह लिखारी सी जी गुरदेव का। यह सिख आया जी एक, मैं सिर्फ अज कवि दरबार से विद्या का थोड़ा जहा मैं सच्ची तुम दसा गुरु गोबिंद सिंह की विद्या के बारे मैं बिल्कुल रंचक मात्र भी कुछ नहीं बोलिया। मैं साखी ते नाले दोनों गल्लां लै लईआं। उहदे कोल सिख आया, वह कहिंदा मेरी बेटी का विआह है, मेरे कोल पैसा कुछ नहीं, बरात आउणी है, कृपा करो मेरा पत्त ढक दिओ। गुरदेव उस दिन बाहर सन किते। आसा सिंह दे मन च तरस आया, उन्हें 500 रुपये की खुंडी लिख दित्ती उस पिंड दे सिख दी जिथों बंदा आया सी। याद रखियो गुरु दरबार च कलियां गोलकां चढ़दियां नहीं सन, गुरु गरीबां दी मदद करदे सन। उन्हें 500 रुपये की खुंडी लिख दित्ती, अपने साइन कर दिते, चला गया जी। वो गरीब सिख की बेटी का शादी हो गई, जिन्हें खुंडी खुंडी ला पंजाब जी समझते हो ना जी, पुराने बजुर्ग जिन्हें जिदे ना ते खुंडी सी, वो 6 महीनों बाद मत्था टेकन आ गया। आसा सिंह ने महाराज नूं दस्या नहीं। वह सिख आ के कहिंदा महाराज आप जी की बड़ी कृपा हुई, जिहड़ी चिट्ठी तुसीं लिख के घल्ली सी मैं 500 रुपया दे दिता, उस सिख की बेटी का कार्ज बड़ा सोहना हो गया। सतगुरु कहिंदे मैं किहड़ा लिख के दिता, वह खुंडी दिखा कहिंदा आप जी ने भेजिया। महाराज कहिंदे मैं नहीं लिखिया। सदो आसा सिंह नूं, यह आसा सिंह की लिखाई है। उहनूं पता लग गया, सब कुछ छड्ड के भज गया। आसा सिंह दौड़ गया भी मेरी शामत आ गई, भी मैं बिना पुछण तो हिंडी खुंडी कर दित्ती। किन्ने दिन आया ही नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़े बंदे भेजे भी लभो आसा सिंह कित्थे, नाले गलती की। फिर अगों दौड़ गया, इन्हें फिर एक चिट्ठी लिखी महाराज नूं
बैरा बेईमान नहीं सी ना, हाँ पूछा नहीं, गलती होगी दस नहीं सकिया। इन्हें फिर चिट्ठी लिखी, गुरु गोबिंद सिंह जी जेड़ी तुसी मैनु कलम पकड़ाईए, मैं इस काने नु घड़िया। कलमो वाच ओ रचना जी कलम बोल दी, कहिंदा जदों मैं काने नु घड़िया अगो कलम, आप नु पता पहला आपा काने वाली जदों फटियां लिखदे सन, हुण करिए कि पंजाबी दे भी अर्थ करने पैंदे आ, कलम कलम न्याणे उत्थे किते पर लगना। वह कलम अगों घड़ी दी सी, ते अगला पासा बरीक करके कट देईदा सी। वह कहिंदा जदों मैं कलम घड़ी ते कलम चो आवाजां हुंदियां सन, विद्वान सी वह भी, कहिंदी ए वेख तू मैनूं इन्ने तिखे बलेट दे नाल इन्नी तिखी धार नाल कटना पिया। कहिंदा मैं सुनिया ते जदों मैं कलम नूं शाही च पाया उहदा मूँह काला हो गया। कहिंदी मैनूं गल कहिंदी आसा सयां सुन ली, वेखो विद्वान है, कहिंदा आसा सयां तू मेरे मूँह नूं घड़िया धार नाल, मेरा मूँह काला कीता, मैं सिर कटा लिया मूँह काला करा लिया, पर मेरे काले मूँह नाल माड़ा काम ना लिखी, इहदे नाल परउपकार दे शब्द लिखी। जे माड़ा कुछ लिखिया मैं रब की दरगाह तेरे तो लेखा लाँगी। कलम वाचक है, मुख काला मेरो करत, कलम कहिंदी है करत ना परउपकार, मेरा मुँह काला करके भी तू परउपकार नहीं करता। मुख मेरो काला करत, करत ना परउपकार, ताका मैं फिर करहूं पलटा लूं दरबार, मैं गुरु दे दरबार च बदला लांगी। महाराज ने चिट्ठी पढ़ी ते बैराग च रो पए, कह लगे आसा सिंह लियाओ लियांदा। सरोपा दे के कहिंदे आ तू एवें डर गया, तां की होया साडे तों नहीं पुछिया, क्योंकि कलम तो तेरे वर्गे हत्थां जी चंगी लगती है, तू क्यों डरिया, मैं तो तेनू बुलाया सी, तेनू सरोपा दिता, तू सिख दे दर्द नू पछाणिया है। दो कवि ऐसे ने, मैं बेनती करा उन्हां विचों खास करके एक कवि दा, जेड़े महाराज दे जदों लखी जंगल कवि दरबार सजिया उन्हां दी रचना च फर्क पै गया सी। मैं एक बार सुनाया सी, एक कवि है महाराज दा बिहारी, जदों महाराज का सारा परिवार शहीद हो गया, लखी जंगल च कवि दरबार सजिया। मैं इहदे ते समाप्ति कर लगा। महाराज कोल बिहारी आया, कवि सी, मत्था टेकिया, उन्हें आनंदपुर साहब की शानो शैकत देखी सी, पर महाराज लखी जंगल थले बैठे आ, आनंदपुर साहब दरबार साजदा ती साहबजादे कोल बैठे होंदे सन। बाबा फतेह सिंह कई बार पिता की गोदी च बह जाते सन, लाड़ लाड़े सन महाराज। अज साहबजादे नहीं, मात जिथे बहिंदे सन वह भी थां अज खाली पिया है, माता गुजरी जी भी नहीं। महाराज हस के कहिंदे अज कवियो कट्ठे हो गए हो, आओ आनंदपुर बना दो फिर इत्थे। बिहारी उठिया, महाराज नूं मत्था टेकदा, कहिंदा महाराज आ की बनिया। सतगुरु कहिंदे सोची ना, जो कुछ मेरे कोल है मैं अज भी इनाम देंगा, मैं घर बार पुत्र धी पुत्र परिवार सब कुछ छड्डाया, पर मेरा सीना उही है जिहड़ा आनंदपुर साहब सी, जो मंगोगे मैं अज भी देंगा। उत्थे फिर उन्हें चरण पकड़ के कहा दाता अज पैसे मंगन नहीं आए, अज मत दी चादर नूं धुवाण वास्ते आए हाँ। उहदी रचना मैनूं बड़ी चंगी लगी, वह लिखदा चादर मैली ते साबण थोड़ा। ये आपां एक बार कथा कीती है इहदे, चादर मैली मत मेरी मैली हो गई, गुणा दा साबण नहीं, चादर मैली साबण थोड़ा, जद देखा तद रोवां, बहुते दाग लगे तन मेरे मैं केड़ा केड़ा धोवां। चादर मैली साबण थोड़ा, जद देखा तद रोवां, बहुते दाग लगे तन मेरे मैं केड़ा केड़ा धोवां, ये दागां दी कोई कीमत ना ही, मैं क्यों कर हच्छी होवां, श्री साहब मैनू दर्शन बख्शो मैं सच्चे साबण धोवां। महाराज जी खुश हो गए, कहिंदा बस दाता वो बख्शां कर दे जिहड़ियां अपने सिखां ते करन। मेरे कहण तो मुराद गुरु गोबिंद सिंह तुरंतर विद्वान ने, विद्वानां दे कदरदान ने। कल मैं दो घटना जदों दानवीर का जिक्र करांगे मैं आप जरूर सांझी करांगा।
मैं टाइम आप जी का बीबीओ भैनों वीरो बजुर्गो काफ़ी लिया, कृपा करके बख्श दियो, क्योंकि अज मैं काफ़ी कविता जां हजूर दी रचना च कुछ बेनती की। सब का धन्यवाद जी।